दिस इज़ फाउंडेशन स्कूल अस्सलाम वालेकुम पीजी क्लास हाउ आर यू ऑल आई होप ऑल ऑफ यू विल बी सेफ एंड साउंड इन योर होम पीजी क्लास आज हम अपना इंग्लिश का चैप्टर नंबर फोर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है काउंटिंग थिंग्स लेक्चर नंबर वन सो टुडे We will, uh, we will count the things and we learn about how to count the things. So, let's start our chapter number four counting things. First of all, I will share the objectives. After completing this lesson, you will be able to know how to count the things.

टू फिंगर्स ये वन और टू टू फिंगर्स हो गई उसके बाद थ्री वन टू थ्री ये कितनी फिंगर्स है वन टू थ्री फोर उसके बाद ये है हमारी फाइव फिंगर्स उसके बाद ये वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है इसी तरह से ये हमारी है नाइन फिंगर्स और जब हम दोनों हाथों की फिंगर्स और थम को मिला लेते हैं उनको काउंट कर लेते हैं तो ये कितने नंबर्स बन जाएंगे टेन सो स्टूडेंट्स आपने सीखा के हम फिंगर्स पर काउंटिंग्स किस तरह से कर सकते हैं इसी तरह से हम चीजों को कैसे काउंट कर सकते हैं जिस तरह से आपके पास ट्रॉयज होते हैं आपके पास कोइंस होते हैं आपके पास जो है पेंसिल्स होती हैं कलर्स होते हैं आपके पास ट्रॉयस होते हैं स्टार्स आपको टीचर्स की तरफ से जो भी मिलते हैं तो उनको हम काउंट कैसे करते हैं ये मैं आपको बताती हूं जिस तरह से ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन इस तरह से हो गया ये हमारे टेन स्टार्स हैं ये आप लोगों ने मेरे साथ साथ काउंट करने हैं ये इसके बाद में कि ये कितने स्टार्स हैं ये हमें कैसे पता चला हम इनको काउंट करेंगे ठीक है सो लेट्स रिवाइज आर काउंटिंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन स्टूडेंट्स इट इज योर असेसमेंट टाइम नाउ के जैसे हमने फिंगर्स वाला किया तो अब ये कितनी फिंगर्स हैं कि वन फिंगर रेस की हुई है तो इसका क्या मतलब है कि ये वन फिंगर है ठीक है वन टू तो इसके नीचे ये टू आ गया ठीक है वन टू थ्री इनको काउंट करें मेरे साथ वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव ये हैं हमारी फाइव फिंगर्स सो स्टूडेंट्स लेट्स रिपीट ऑल जीरो टू वन टू टेन काउंटिंग के जो हमने पीछे प्रीवियस लेक्चर में हमने वन टू थ्री काउंटिंग सीखी है उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से काउंट करना और आपकी बुक में जो इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स में कलरिंग करना दी हुई है आपने वो करना है यही आप लोगों का होमवर्क है सो प्लीज कंप्लीट इट एंड इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज